नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक, और इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ पोको एक्स थ्री के कैमरा फीचर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। वैसे तो ये गेमिंग फोन है, लेकिन इसके कैमरा फीचर्स भाई टू वुड, बहुत सारे कैमरा फीचर्स हैं इस फोन में, एंड एक्चुअली अच्छे अच्छे कैमरा फीचर्स। ये कोई गिमिकी कैमरा फीचर्स नहीं है, क्लोन मोड, स्मूथ जूम, सिनेमा मोड, एक हाईली डिटेल्ड प्रो मोड, बहुत ही अच्छे अच्छे कैमरा फीचर्स हैं। और कैमरा एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे तो पोको X3 डेफिनेटली एक सॉलिड ऑफरिंग है। जो कैमरा ऐप आपको पोको X3 में मिल रहा है, ये MIUI 12 का नया कैमरा एप्लीकेशन है, स्लिक इंटरफेस है और कुछ कुछ नए फीचर्स भी हैं। ये आपका बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है कैमरा एप्लीकेशन का। ऊपर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नीचे भी काफ़ी सारे मोड्स हैं। थैंकफुली इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी कैमरा एप्लीकेशन कहीं से स्लो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर के क्या क्या ऑप्शन हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्लैश कंट्रोल कर सकते हो, टॉर्च मोड का भी ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आप HDR कंट्रोल कर सकते हो, इसे ऑटो में ही रखना। AI मोड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो ताकि AI ऑटोमेटिकली सीन को रिकग्नाइज करके कलर और सैचुरेशन को बूस्ट कर सके। मुझे पसंद नहीं क्योंकि फोटोज़ की कलर और कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। इसके बाद फिल्टर्स का ऑप्शन है, बहुत सारे यूजफुल फिल्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अगर आप आर्टिस्टिक टाइप हो तो आप इन फिल्टर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी मोड भी आपको मिलता है रियर कैमरा के लिए पोको X3 में, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए बॉडी, लेग्स, हेड कैसा चाहिए सब कस्टमाइज कर सकते हो स्लाइडर के द्वारा। इसके बाद गूगल लेंस इंटीग्रेशन है, इसे दबाओगे तो गूगल लेंस ट्रिगर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आप वेरियस कैमरा की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 3:4 है, पर आपके पास ऑप्शन है 1:1, 9:16 और फुल का भी। फुल देखने में अच्छा लगता है क्योंकि जो डिस्प्ले है वो पूरा एज अ व्यू फाइंडर एक्ट करता है, लेकिन इसे यूज़ मत करिएगा क्योंकि फोटो की रेजोल्यूशन फिर कम हो जाती है। बेस्ट है 3:4 ही रखिएगा। टाइमर के ऑप्शन हैं 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। इसे छोड़ के आपके पास ऑप्शन है मूवी फ्रेम, ग्रिड लाइंस, स्ट्रेटन का। मूवी फ्रेम क्या है? मूवी फ्रेम में क्या होगा कि बेसिकली फोटोज़ जो है वो आप 21:9 एस्पेक्ट रेशियो, जो कि बेसिकली मूवीज़ का एस्पेक्ट रेशियो होता है, उसमें ले सकते हो। अगर आपको पता है कि इसे कैसे और कब यूज़ करना है तो आप एक्चुअली काफ़ी सॉलिड फोटोज़ ले पाओगे मूवी फ्रेम मोड में। ग्रिड लाइन्स है, वेल ग्रिड लाइन्स आप इनेबल कर सकते हो। स्ट्रेटन से आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि टिल्ट एंगल्स क्या हैं। मैक्रो से आप मैक्रो कैमरा जो है उसे इनेबल कर सकते हो। टिल्ट शिफ्ट से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो टिल्ट्स हैं उसे देख सकते हो। इसके बाद प्रो कलर मोड है, जिसमें कि बेसिकली ये AI मोड से सिमिलर ही है, कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं इसमें, मुझे कोई खास पसंद नहीं है। इसके बाद है आपका टाइम्ड बर्स्ट मोड का ऑप्शन, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। टाइम्ड बर्स्ट मोड में क्या है ना कि आप सेट कर सकते हो कि कितने इंटरवल के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली फोटो लेगा। तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे किया हुआ है कि फ़ोन 30 फोटोज़ लेगा आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी 5 सेकेंड्स। आप इसे चाहो तो चेंज करके कर सकते हो कि फ़ोन 10 फोटो ले आफ्टर एन इंटरवल ऑफ से 3 सेकेंड। तो अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो हर 3 सेकेंड बाद फ़ोन जो है एक फ़ोटो लेगा, ऐसे करके ये टोटल 10 फोटोज़ लेगा। ये जो टाइम्ड बर्स्ट मोड है, ये अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या अगर आप फोटोग्राफी में डैबल करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ लेना चाहते हो, तब आप इस मोड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो बटन देख रहे हो, इससे आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2x जूम कर सकते हो। बेसिकली 2x क्या, आपको मिलता तो अप टू 10x जूम है, लेकिन उसके लिए आपको पिंच टू जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप खाली 2x, 1x और 0.6x करके जो प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, उसके बीच में स्विच कर सकते हो। फ्रंट कैमरा पे अगर आप स्विच करोगे तो थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लैश आपको मिल ही रहा है, फ्रंट में कोई फ्लैश नहीं है पोको X3 में, लेकिन आप स्क्रीन को एज अ फ्लैश यूज कर सकते हो। HDR मोड मिलता है जिसे अगेन आप इनेबल रखना। AI मोड भी है फ्रंट कैमरा के लिए, मुझे पसंद नहीं है तो डिसेबल रखो। इसके बाद टाइमर है, एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन है, मूवी फ्रेम मोड है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पाम शटर का भी, जिससे कि आप चाहो तो अपना पाम दिखा सकते हो सेल्फी लेते टाइम शटर को ट्रिगर करने के लिए। फिर ग्रिड लाइंस और टाइम बर्स्ट मोड का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल रहा है। नीचे में आप देख सकते हो ये जो बटन है, इससे ब्यूटी मोड को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगेन बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप उसकी इंटेंसिटी को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिल्टर्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं आपके लिए ट्राई करने के लिए। अब बात करते हैं वीडियो मोड की, तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं।
इस बटन से आप फ्लैश कंट्रोल कर सकते हो। इस बटन से आप चले जाओगे स्टेडी वीडियो मोड में। ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे फोन जो है सुपर स्टेबल वीडियोस कैप्चर करता है। फुल एचडी रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम आपका कैप है, लेकिन इस मोड में आप जो भी वीडियोस कैप्चर करोगे उसमें किसी भी तरह का कोई शेक नहीं होगा। सारे शेक्स जो है वो एकदम स्मूथ आउट हो जाएंगे, एकदम गोप्रो टाइप फुटेज आएगी। पर इस मोड के वीडियोस थोड़े सॉफ्ट आते हैं, और लो लाइट में तो इस मोड को मत यूज करिएगा क्योंकि रिजल्ट्स तब उतने इफेक्टिव नहीं होते। वीडियो मोड में भी आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे भी ब्यूटी मोड है जिसे आप चाहो तो इंटेंसिटी जो है उसे कंट्रोल कर सकते हो। जो वेरियस कस्टमाइजेशन ऑप्शन है ब्यूटी मोड के, वो आपको वीडियो में नहीं मिलता है। वीडियो के अगर आपको रेजोल्यूशन चेंज करनी है तो इस बटन को दबाना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फुल एच डी 30 FPS, फुल एच डी 60 FPS और अप टू 4K 30 FPS का ऑप्शन है। आपको वीडियो में भी मूवी फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें कि आप 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में वीडियोज कैप्चर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस मोड में अगर आप वीडियोस ठीक से कैप्चर करना जान जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे लुकिंग वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो यूजुअल हैं, ग्रिड लाइंस के, स्ट्रेटन के, मैक्रो कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हो वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। और ये है ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसमें बेसिकली आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोकस में रख सकते हो और फिर ओप्पो X3 की कैमरा उसे ऑटोमेटिकली फोकस में रखेगी, एज लॉन्ग एज जो सब्जेक्ट है वो कैमरा के फील्ड ऑफ व्यू में है। मुझे तो ये मोड काफी पसंद आया, और अगर आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जनरली रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये मोड डेफिनेटली यूजफुल लगेगा। फ्रंट कैमरा में अगर आप स्विच करोगे वीडियो मोड में तो कुछ ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल नहीं रहे, सिर्फ ब्यूटी और फिल्टर मोड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। फ्रंट कैमरा की जो रेजोल्यूशन है वो आपका 720p 30 FPS पे लिमिटेड है, यहाँ पे भी लेकिन आपको मूवी फ्रेमिंग का ऑप्शन जरूर मिलता है। वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उसके बीच में स्विच नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज है जो मुझे बहुत पसंद आया है पोको X3 में, वो है स्मूथ जूम का फीचर। अब यहाँ पे मैं प्राइमरी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे अगर जूम करना है तो मैं इस स्लाइडर को यूज करके जूम कर सकता हूँ, और जो जूम होगा वो एकदम इंस्टेंट नहीं होगा, एक ग्रेजुअल जूम होगा जो एक्चुअली दिखता बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि ये जो स्मूथ जूम का फीचर है ये और हमें फोन्स में देखने मिले। वीडियो मोड के बाद है आपका प्रो मोड, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कैमरा की। बेसिकली आप हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, शटर स्पीड को आप ले जा सकते हो मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक, ISO को आप ले जा सकते हो मैक्सिमम 6400 तक, और अच्छी बात यह है कि आप प्राइमरी कैमरा के साथ साथ जो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा है उसमें भी प्रो मोड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो ISO है अल्ट्रा वाइड की वो आप मैक्सिमम लेकिन 1600 तक ले जा सकते हो, और मैक्रो कैमरा के लिए आप ISO को बम कर सकते हो मैक्सिमम 800 तक, और इसकी शटर स्पीड को आप मैक्सिमम ले जा सकते हो 1/4 of a second। इसे छोड़ के भी आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आप चाहो तो 64 मेगापिक्सल के फोटोज भी ले सकते हो प्रो मोड में, मीटरिंग कंट्रोल कर सकते हो आपको कैसा चाहिए, फिर आपके पास ऑप्शन है रॉ में फोटोज कैप्चर करने का, फोकस पीकिंग का ऑप्शन है, ग्रिड लाइंस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे एक्सपोजर वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। एंड लास्टली आप चाहो तो वीडियोज रिकॉर्ड करते टाइम भी प्रो मोड यूज कर सकते हो। तो बहुत ही डिटेल्ड प्रो मोड है, बहुत कम फोन्स में हमें इतना डिटेल्ड प्रो मोड देखने को मिलता है, तो कुडोस टू पोको कि इतना अच्छा प्रो मोड उन्होंने दिया है पोको X3 में। अब इसके बाद है आपका पोर्ट्रेट मोड, जिसे कि आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, इस बटन से आप बेसिकली जितने पोर्ट्रेट के लाइटिंग इफेक्ट्स है उसे देख के अप्लाई कर सकते हो। दो तीन इंडियन स्पेसिफिक है जैसे कि होली हुआ, लीव्स हुआ, बाकी सब यूजुअल हैं, बहुत सारे फोन्स में देखने मिला होगा आपको ऑलरेडी। इस बटन से आप पोर्ट्रेट मोड की जो ब्लर इंटेंसिटी है उसे कंट्रोल कर सकते हो, मैक्सिमम आप F16 तक जा सकते हो जिसमें कि ब्लर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और कम करके आप जा सकते हो मिनिमम में F1.0 तक जिसमें कि ब्लर की इंटेंसिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, आप पोर्ट्रेट मोड में भी ब्यूटी इफेक्ट्स और फिल्टर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। मोर में अगर आप जाओगे तब आपको दिखेंगे और बहुत सारे कैमरा ऑप्शंस भर भर के हैं। नाइट मोड है यहाँ पे, डिसअपॉइंटिंग चीज बस यहाँ पे ये है कि नाइट मोड को आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा के लिए यूज कर सकते हो और जो फ्रंट कैमरा है उसके लिए यूज कर सकते हो। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो आपका नाइट मोड सपोर्ट नहीं करता है। इसको छोड़ के है आपका एक 64 मेगापिक्सल का मोड, जिसे कि आप जो प्राइमरी कैमरा है सोनी का IMX682 सेंसर, उससे 64 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के फोटोज ले सकते हो। इसे छोड़ के एक शॉर्ट वीडियो मोड है, जो कि बेसिकली अगर आप टिकटॉक, चिंगारी या कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस यूज करते हो तो उसके लिए डायरेक्ट यहाँ से वीडियोज बना सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आप चाहो तो वीडियो को स्लो, सुपर स्लो, फास्ट या सुपर फास्ट मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो,
पीछे से आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो जो आपको मन करे। यहाँ पे भी और ऑप्शंस हैं ग्रिड लाइन का, और क्वालिटी जो है वो आप मैक्सिमम ले जा सकते हो फुल एचडी 30 fps तक। और शॉर्ट वीडियो में आप चाहो तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसे भी यूज कर सकते हो, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी अवेलेबल है। शॉर्ट वीडियो के बाद है आपका पैनोरामा मोड, जिससे कि आप पैनोरामिक फोटोज ले सकते हो। ये सिर्फ आपका जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है उसे सपोर्ट करता है, और जो फ्रंट कैमरा है उसे सपोर्ट करता है। दैट्स इट, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं सपोर्ट करता है, जो कि हमें कुछ कुछ फोन्स में देखने मिला है इसी प्राइस रेंज में। डॉक्यूमेंट मोड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काम में आता है। इसके बाद है आपका व्लॉग मोड, ये बहुत पॉपुलर हुआ था पोको X2 में जिसमें ये फीचर डेब्यू हुआ था। इस मोड को आपको लैंडस्केप मोड में यूज करना होता है, और इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारे थीम्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस तरह का थीम चाहिए अपने वीडियो को देने के लिए। सपोज आप ट्रैवल सेलेक्ट करते हो, ब्लॉग मोड आप लैंडस्केप मोड में यूज कर सकते हो, और इसमें क्या है कि आपको 4-5 शॉर्ट वीडियोस लेने होंगे जिसे फिर फोन ऑटोमेटिकली एक थीम दे देगा जो आपने पहले से सेलेक्ट किया होगा उन्हें कैची बनाने के लिए। व्लॉग मोड नाम है, लेकिन आप इस फ्रंट कैमरा के लिए नहीं यूज कर सकते हो, जो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। व्लॉग के बाद आपका स्लो मोशन मोड, जिसमें कि आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। ज्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे, खाली आपके पास ऑप्शन है रेजोल्यूशन चेंज करने का। आप मैक्सिमम फुल एचडी रेजोल्यूशन में 120 fps और 720p रेजोल्यूशन में 960 fps तक सुपर स्लोमो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सुपर स्लो मोशन वीडियो में आपका रिकॉर्डिंग टाइम का एक लिमिटेशन है, जो कि आपको 240 fps या 120 fps की रेगुलर स्लो मोशन वीडियोस में नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा से भी आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है आपका टाइम लैप्स मोड, जिससे कि आप टाइम लैप्स वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो अप टू 1800x, ड्यूरेशन आप कंट्रोल कर सकते हो अप टू 240 मिनट्स, और फ्रंट कैमरा के लिए भी टाइम लैप्स मोड अवेलेबल है। और साथ ही साथ रियर कैमरा सेटअप में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में भी टाइम लैप्स वीडियो का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद है आपका फ्रंट एंड बैक मोड, जिससे कि आप एक साथ फ्रंट और रियर कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो फ्रंट या रियर कैमरा का जो व्यू है उसे एक पिक्चर इन पिक्चर मोड में डाल दो। ये आपको इस मोड में ज्यादा कुछ ऑप्शंस आपको और मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद है आपका AI वाटरमार्क मोड, जिसमें कि एक फोन जो है ऑटोमेटिकली AI वाटरमार्क दे देगा, बेसिकली जो डेट है उस दिन का वही देता है। और भी ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। बेसिकली स्टिकर एम्ब्लॉस हो जाते हैं फोटोज के ऊपर और कुछ नहीं। इसके बाद है आपका लॉन्ग एक्सपोजर मोड, अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट थीम्स भी हैं, जैसे कि अगर आपको स्टार्स कैप्चर करना है या फिर लाइट पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग, तो आप इसे यूज कर सकते हो। और लास्ट में है आपका क्लोन ऑप्शन, जो कि आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इससे बेसिकली आप जो क्लोन फोटोज और वीडियोस आप देखते हो वो बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन बोथ फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करने का है। तो ये तो हो गई पोको X3 के सारे कैमरा मोड्स की बात। अब मैं इसकी जो कैमरा एप्लीकेशन की सेटिंग्स है वो बता देता हूँ। इसके लिए इस बटन को दबा के सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वाटरमार्क का, इसे आप बाय डिफॉल्ट तो ये डिवाइस का वाटरमार्क देते हैं, लेकिन आप चाहो तो टाइम स्टैम्प भी दे सकते हो, और कस्टम वाटरमार्क करके आप चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो या जो आपको पसंद हो, अप टू 18 लेटर्स, दैट्स इट। ये ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, 18 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो कट ऑफ हो जाएगा। QR कोड स्कैनिंग का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जो डिस्टॉर्शन है उसे करेक्ट करने का ऑप्शन है, फेस डिस्टॉर्शन ठीक करने का ऑप्शन है। ये सब ऑप्शंस इनेबल रखिएगा क्योंकि ये यूजफुल है। इसके बाद फोकस एंड शूट का ऑप्शन है, जिसमें कि आप चाहो तो ये सेट कर सकते हो कि जब आप स्क्रीन पर टैप करो तो उस सब्जेक्ट पे पहले कैमरा फोकस करे और उसके बाद ही फोटो क्लिक करे। अगर आप कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जो नीचे कैमरा मोड्स हैं उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कैसे आपको जाना है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया कि जो बाकी कैमरा मोड्स हैं वो एक अलग से मोड टैब में मिल रहे थे, लेकिन आप मोर पैनल में भी कर सकते हो, जिसे आप जब एक्सेस करना चाहो तो ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप जो कैमरा एप्लीकेशन की कलर है जो UI एलिमेंट्स के, उसे ट्वीक कर सकते हो। जो फीचर के लेआउट है, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। साउंड जो है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन के हर एक एस्पेक्ट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। इसे छोड़ के आपके पास और दो तीन यूजफुल ऑप्शन है, जैसे कि लोकेशन इन्फो की, शटर साउंड की, पॉकेट मोड की, एंड दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं। आई थिंक बहुत सारे फीचर्स हैं पोको X3 में कैमरा को लेके, और अगर आपको कैमरा में बहुत इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इतने सारे फीचर्स और मोड्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको पोको X3 के सारे कैमरा फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
स्टडी वीडियो सैंपल शॉट ऑन द पोको X3। फोर के 30 FPS सैंपल शॉट ऑन द पोको X3। फुल HD 60 FPS सैंपल शॉट ऑन द पोको X3। फुल HD 30 FPS सैंपल शॉट ऑन द पोको X3। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको पोको X3 की कैमरा फीचर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।